हमारा आज का टॉपिक है INC, जिसका कि फुल फॉर्म है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। I फॉर इंडियन, N फॉर नर्सिंग और C फॉर काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल इज़ ए नेशनल रेगुलेटरी बॉडी फॉर नर्सेस एंड नर्स एजुकेशन इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी नर्सिंग एजुकेशन हो रही है या नर्सेज हैं, उनके लिए एक रेगुलेटरी बॉडी है ये नेशनल लेवल पे, जो कि सभी चीज़ों को रेगुलेट करती है रिलेटेड टू नर्सिंग। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत सरकार है, उसके अंडर में ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये किसके द्वारा बनाई गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अंडर सेक्शन 3(1) ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, जो कि 1947 में बना था ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में। तो इसके अकॉर्डिंग ये इसके इस एक्ट के अनुसार ये बनाई गई है। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल एक्ट, द फंक्शन ऑफ द काउंसिल इज़ टू प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन नर्सिंग एजुकेशन, मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स। तो इसके इस एक्ट के अनुसार क्या है कि ये काउंसिल का फंक्शन क्या है कि पूरे जो देश है उसमें जो नर्सिंग एजुकेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी हो, और मिडवाइफ और हेल्थ विजिटर्स से रिलेटेड यूनिफॉर्मिटी हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है तो वो यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले ऊपर पोस्ट होती है इसमें प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के नीचे होता है वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद आता है सेक्रेटरी, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी के बाद डिप्टी सेक्रेटरी, देन असिस्टेंट सेक्रेटरी, देन ऑफिस स्टाफ। तो इस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी एंड ऑफिस स्टाफ। देन आते हैं एम्स। इसके एम क्या हैं? टू एस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग फॉर नर्सेज, मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर्स। तो नर्सेज, मिडवाइफ और हेल्थ विजिटर के लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना ट्रेनिंग का, ये इसका कार्य है। फंक्शन है इसका, पहला फंक्शन है टू एस्टेब्लिश एंड मॉनिटर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन फॉर नर्स मिडवाइफ, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स एंड हेल्थ रजिस्टर बाय डूइंग इंस्पेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ये क्या करती है? इंस्पेक्शन करती है इंस्टीट्यूशन के जो भी नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट हैं, कि वहाँ पर जो उन्होंने यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बनाए हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो फॉलो हो रहे हैं तो ये उसको रिकॉग्निशन देते हैं, नहीं फॉलो हो रहे हैं तो रिकॉग्निशन को विड्रॉल कर लेते हैं, उसको INC की मान्यता नहीं होती है। देन सेकेंड फंक्शन है इसका टू रिकॉग्नाइज द क्वालिफिकेशन फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो ये क्या करती है? रिकॉग्नाइज करती है कि क्वालिफाई है या नहीं है, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए, या अब्रॉड में एम्प्लॉयमेंट के लिए। देन आता है तीसरा टू प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग इन वेरियस नर्सिंग प्रोग्राम एंड प्रेस्क्राइब द सिलेबस एंड रेगुलेशन फॉर नर्सिंग प्रोग्राम। जो नर्सिंग एजुकेशन के प्रोग्राम चल रहे हैं उनके लिए सिलेबस बनाना, उनके लिए रेगुलेशन बनाना, ये सब काम किसका होता है? INC का। देन फोर्थ है पावर टू विदड्रॉ द रिकोगनीशन ऑफ क्वालिफिकेशन इन केस द इंस्टीट्यूशन फेल्स टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है तो स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूशन है उससे वो अपनी रिकॉग्निशन वापस ले लेते हैं। देन फिफ्थ है टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। रेगुलेट करना ट्रेनिंग पॉलिसीज को और प्रोग्राम्स को इन फील्ड ऑफ नर्सिंग। देन सिक्स है टू प्रमोट रिसर्च इन नर्सिंग, नर्सिंग में रिसर्च को प्रमोट करना। देन सेवन्थ है टू मेंटेन इंडियन नर्सेज रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग पर्सनल के लिए इंडियन नर्सेज रजिस्टर को मेंटेन करना। देन प्रेस्क्राइब कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट को प्रेस्क्राइब करना नर्सेज के लिए, एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, और नर्सिंग एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो ये उसके हो गए फंक्शन ऑफ INC। तो एक बार वापस से हम देखते हैं फंक्शन ऑफ INC। पहला है टू एस्टेब्लिश एंड मॉनिटर
यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एजुकेशन फॉर नर्स मिडवाइफ्स ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर्स बाई डूइंग इंस्पेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन. देन सेकेंड है टू रिकोगनाइज द क्वालिफिकेशन फॉर पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड. थर्ड है टू प्रेस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन वेरियस नर्सिंग प्रोग्राम प्रेस्क्राइब द सिलेबस एंड रेगुलेशन फॉर नर्सिंग प्रोग्राम्स. देन इसके बाद है पावर द विड्रॉ टू रिकोगनीशन ऑफ क्वालिफिकेशन इन केस द इंस्टीट्यूशन फेल्स टू मेंटेन द स्टैंडर्ड. देन फिफ्थ है टू रेगुलेट द ट्रेनिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग. देन टू प्रमोट रिसर्च इन नर्सिंग. टू मेंटेन इंडियन नर्सिंग रजिस्टर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्सिंग पर्सनल. देन प्रेस्क्राइब कोड ऑफ इथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट. देन टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग एजुकेशन. देन आते हैं पर्पज, उद्देश्य. द पर्पज ऑफ INC एस्टेब्लिशमेंट इज टू फॉर्मुलेट ए नेशनल पॉलिसी बनाना है इसका पर्पज फॉर ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग डिपेंडिंग मेनली ऑन द कल्चर एंड फिलोसफी ऑफ द कंट्री. जो इंडिया की भारत की कल्चर और फिलोसफी है उसको बेस में रखते हुए नर्सिंग की पॉलिसी बनाना, ट्रेनिंग की, नर्सिंग ट्रेनिंग की पॉलिसीज बनाना इसका उद्देश्य है. देन आती हैं कमिटीज़. INC में कौन कौन सी कमिटी होती हैं? तो पहली होती है एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द काउंसिल, जो कि एग्जीक्यूट करती है कोई भी काम. टू डेलीबरेट ऑन द इशू रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम. तो जो नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उनके जो स्टैंडर्ड इन्होंने बनाए हैं वो मेंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो इस इशूज़ पे जो काम करती है वो होती है एग्जीक्यूटिव कमिटी. द नेक्स्ट है द नर्सिंग एजुकेशन कमिटी. ये क्या काम करती है? टू डेलीबरेट ऑन द इशू कंसर्न मेनली विद द नर्सिंग एजुकेशन एंड पॉलिसी मैटर कंसर्न टू नर्सिंग एजुकेशन. नर्सिंग एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं या फिर जो भी कंसर्न है उसको ये डील करती है. देन आता है इक्विवेलेंस कमिटी. इक्विवेलेंस कमिटी क्या है? टू डेलीबरेट ऑन द इश्यू ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन. जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है उसके रिकॉग्निशन पे जो ध्यान देती है वो है इक्विवेलेंस कमिटी. इसके बाद फाइनेंस कमिटी है, परचेज कमिटी है जो कि फाइनेंस इकोनॉमिक से रिलेटेड है. देन विजिलेंस कमिटी जो कि निरीक्षण और करती है विजिलेंस. देन सिक्स पे है डिपार्टमेंटल और प्रमोशनल कमिटी. डिपार्टमेंट में किस किस के प्रमोशन होने हैं, क्या आगे होना है प्रमोशन से रिलेटेड डिपार्टमेंटल, ये कमिटी तय करती है. देन एंटी रैगिंग कमिटी. देयर आर अदर वेरियस सब कमिटीज़ बाय काउंसिल टाइम टू टाइम फॉर रिवीजन ऑफ वेरियस नर्सिंग प्रोग्राम्स. तो और भी सब कमिटीज़ इसमें बनती हैं जो कि टाइम टू टाइम जो भी नर्सिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको रिवाइज करने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए. तो एक बार वापस से देखते हैं कमिटी, कौन कौन सी कमिटी होती हैं इसकी INC की. तो एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द काउंसिल, देन नर्सिंग एजुकेशन कमिटी, देन इक्विवेलेंस कमिटी, देन फाइनेंस कमिटी और परचेस कमिटी, देन विजिलेंस कमिटी, देन डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमिटी, देन एंटी रैगिंग और वेरियस सब कमिटीज़. देन आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल. काउंसिल का कंपोजिशन में क्या क्या है इसमें? वन रजिस्टर्ड नर्स इलेक्टेड बाय द ईच स्टेट काउंसिल. हर स्टेट काउंसिल से, जैसे अलग अलग राज्य हैं वहाँ से एक रजिस्टर्ड नर्स इलेक्टेड होकर यहाँ पर जाती है. देन टू मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल. काउंसिल ने जिसको जिन इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज कर रखा है वहाँ से दो मेंबर इलेक्ट होके जाते हैं इसमें. देन वन मेंबर इलेक्टेड बाय द हेड्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन टू विच हेल्थ विजिटर्स आर ट्रेंड. और एक मेंबर वहाँ से इलेक्ट होके जाता है जो कि जहाँ पर कि हेल्थ विजिटर्स ट्रेंड होते हैं उस इंस्टीट्यूट से. देन वन मेंबर इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, MCI से एक मेंबर यहाँ पर जाता है इलेक्ट होके. देन वन मेंबर इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जाता है. देन वन मेंबर इलेक्टेड बाय काउंसिल ऑफ द ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI से यहाँ पर जाता है एक मेंबर इलेक्टेड होके. देन वन ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एनरोल्ड इन स्टेट रजिस्टर
इलेक्टेड बाय ईच ऑफ द स्टेट काउंसिल, जो भी स्टेट काउंसिल तय कर रखे हैं वहाँ से एक ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ यहाँ के लिए एनरोल होता है इन्हें स्टेट रजिस्टर में। तो ये यहाँ के ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल। तो आज हमने जाना INC के बारे में, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।